हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड तो कैसे हो आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये सुबह सुबह का वक्त है मतलब बहुत ही ज़्यादा सुबह का जस्ट फजर की नमाज़ हुई थी और मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली गर्मा गर्म और साथ में लिया है रोट जो कि आप सबको पता होगा रोट क्या होता है हमारा एक कोकनी नाश्ता होता है वो मतलब एक बिस्किट टाइप होता है बिस्किट टाइप भी नहीं थोड़ा सॉफ्ट ही होता है तो वो रोट मैंने लिया उसके साथ और मैंने नाश्ता किया और निकल गई कॉलेज के लिए फिर कॉलेज से आई और आप देख सकते हो ये मंडप है मेरी कजिन की शादी थी मतलब हम लोग के बाज़ू में ही मेरी सगी चाचा की बेटी उनकी शादी थी तो वही मंडप है पूरा सजा हुआ और ये था अकीका तो अकीके की रौनक लगी हुई है सारी ये सब जानवरों को अच्छे से खिला रहे हैं और सब मजे कर रहे थे तो ये देखिए बच्चे छोटे छोटे और ये सब देख के हमको भी बहुत खुशी होती थी जब हम भी छोटे थे तो कुर्बानी हो या अकीका हो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे हम लोग तो वैसे ही सब बच्चे खेल रहे थे जानवरों के साथ और अकीका हो गया था और फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया नाश्ते में कांदा पोहे थे तो हमने नाश्ता किया और यहाँ पे बन रहा था दाल गोश्त शादी का घर था तो बड़े बड़े देगों में खाना बन रहा था तो दाल गोश्त बन रहा था और बहुत ही ज़्यादा मतलब यमी खुशबू आ रही थी उसकी और फिर यह मेरी बहन की हल्दी थी तो हम उसे गजरे पहना रहे थे और हल्दी के लिए रेडी कर रहे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो आप देख सकते हो उसकी हल्दी और उसके मेहंदी का कलर भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है तो हमने उसको रेडी किया और अब हम जाएंगे उसे बाहर लेके हल्दी के लिए और फिर बाहर आंटीज़ लोग जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो उन्हें गाने बोलेंगे जिसे हम लोग कोकनी गीत कहते हैं वो बोलेंगे और हल्दी लगाएंगे और यही सब हमारे यहाँ पर रस्में होती है तो आपको शादी व्लॉग कंटिन्यू बहुत से मतलब मेरी ये सिस्टर की शादी है उसके बाद नेक्स्ट वीक मेरी शादी है तो आपको पूरे जो अभी व्लॉग्स आएंगे तो सारे शादी रिलेटेड ही आएंगे तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं उसके बाद हमें मिल गई चाय और देख की चाय का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है मतलब जो शादी की चाय होती है उसकी बात ही अलग होती है तो ये सबकी ज़्यादा फेवरेट होती है और यहाँ पे दाल गोश्त ऑलमोस्ट डन हो गया था तो फिर मैंने फिर से आ गई वहाँ पे जहाँ पे पक रहा था ये देग में और फिर से टेक ले लिया और यहाँ पे बर्तन लग गए थे खाने के ऐसे ही सब नीचे बर्तन लगाए थे और ये रात के खाने की प्रिपरेशन हो रही थी उसके बाद यहाँ पे मेरी भाभी मुझे अपने ड्रेसेस पैकिंग में हेल्प करा रही थी यहाँ पे मेरी शादी की प्रिपरेशन हो रही है तो ये पूरा सामान था मेरा और हम लोग पैकिंग कर रहे थे अच्छे से फोल्ड करके ड्रेसेस को और उसे फिर बैग में हम लोग पैक कर देंगे और यहाँ पर मेहंद प्लेटर लेके हमारी ब्राइड खड़ी है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और दुल्हन का नूर तो आप सबको पता है कितना ज़्यादा प्यारा आता है माशाल्लाह तो आप लोग इन्जॉय कीजिए हमारे यहाँ के मेहंदी के फंक्शन को और यहाँ पे हम लोग टेबल पे पूरा सजा के रखते हैं मेहंदी को और शक्कर वगैरह वो सब चीज़ें और यहाँ पे दूल्हे के साइड से भी दुल्हन के लिए मेहंदी आई हुई थी केक आया हुआ था तो वो भी पूरा उससे पूरा टेबल सजा हुआ था माशाल्लाह और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और फिर हमें मिल गया था जूस और मेरी फ्रेंड और मैं जूस इन्जॉय कर रहे थे और गप्पे लड़ा रहे थे क्योंकि ये मतलब मेरी लास्ट शादी थी मतलब एज अ बैचलर मेरी लास्ट शादी थी उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी फिर मेरे यहाँ पे आना जब होगा तब होगा तब मैं अपनी फ्रेंड से मिलूँगी तो हम वही बात कर रहे थे और ये है देख का खाना हमारे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा यमी कि सब कोकनी लोगों का फेवरेट होता है शादी का खाना फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग गए थे आइसक्रीम लेने हमने आइसक्रीम खाई और यहाँ पे ये यह देख सकते हो ऐसे ही डराने के लिए आए थे सबको मतलब मस्ती मजाक सब करते रहते हैं उसके बाद मेरे मंडप का सामान आया था मेरा मंडप बन रहा था मतलब मेरी शादी का और ये है नेक्स्ट डे निकाह डे मेरी बहन का निकाह जब था तब का डे दे, और देखिए आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और ये वाले डे का मतलब खुशी भी होती है और अलग गम भी होता है बहुत सी मिक्स्ड फीलिंग्स होती है जिनके साथ मतलब जिनका निकाह होता है उन्हें पता होता है कि कैसी फीलिंग होती है ये वाली तो यहाँ पे सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे बहुत ही ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है बट खैर अल्लाह सब में सब्र देता ही है और ये तो होना ही है सबकी लाइफ का पार्ट होता है ये बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे और सबकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे और सबकी किस बात की शादी के बाद की ज़िंदगी को आसान करे और ख़ुशहाल बनाए आमीन उसके बाद फिर मेरे सिस्टर की विदाई हो रही थी और वो उनके ससुराल जा रहे थे उनको उनके इन लॉज़ लेने आए थे और फिर उन्हें यहाँ पर डोली में बिठा के रवाना कर दिया जा रहा था यहाँ पर उन्हें डोली में बिठा रहे थे और जो भी भाई हो मतलब दुल्हन के जो भाई हो वो डोली को उठाएगी और लेके जाएगी दूल्हे के घर तक के दूल्हा गाँव का पास में उनका घर था हमारे गाँव में ही तो वो उन्हें डोली से सीधा उनके घर लेके जाएगी और ये पूरे जो थे वो दूल्हे वाले थे जो दुल्हन को लेने उसके घर आए थे तो अभी हम लोग सब मेरी सिस्टर है तो मैं उनके साथ जा रही थी तो हम लोग सब जा रहे थे या हम लोग आ गए हैं दूल्हे के घर के पास ये दूल्हे के वहाँ का मंडप है और फिर दूल्हे के घर हम आए और फिर दूल्हे को अंदर एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उनकी सारी बहनें रास्ता घेरे खड़ी थी क्योंकि उन्हें चाहिए थे पैसे जब वो पैसे देगा तभी वो उसे अंदर लेगे ऐसा वाला सिचुएशन था तो सारी बहनें लड़ रही थी कि हमें पैसे चाहिए फिर ही अंदर लेगे तो यहाँ पे वही सब चल रहा था ये सब चीजों में बहुत ही ज्यादा मजा आता है शादी के एन्जॉयमेंट सी अलग होती है तो यहाँ पे सब लोग पैसों में कम ज्यादा कर रहे थे फिर फाइनली दूल्हे ने पैसे दे दिए उसके बाद फाइनली दूल्हा और दुल्हन को अंदर एंट्री मिल गई इतनी सारी आ, मतलब मस्ती मजाक के बाद में तो फिर दुल्हा दुल्हन अंदर चले गए हमने उन्हें छोड़ दिया और फिर हम चले गए थे लंच करने के लिए बिरयानी मटन बिरयानी थी लंच में बहुत ही ज़्यादा यमी थी वो भी उसके बाद मैं चली गई थी अपने नानी के घर मेरा सामान पूरा जो मतलब शादी के लिए मुझे लेके जाना है मतलब मेरे ससुराल वो पूरा मेरी नानी के घर पर है तो मैं वहाँ पर गई और वहाँ पर मैं पैकिंग कर रही थी अपना पूरा सामान अपनी जो बैग्स मैंने बैग्स में पूरे ब्लैंकेट्स वो सब भर के रखा था मैंने वो निकाले और उसमें मैंने फिर ड्रेसेस पैक करने थे मैं वो सारी पैकिंग करी थी क्योंकि फिर उसके बाद मेरी हल्दी है और हल्दी के बाद मुझे फिर कहीं जाने आने नहीं मिलेगा तो पहले ही हम सब ये पैकिंग कर रहे थे मेरी चाची खाला और मेरी फ्रेंड और हम लोग ये सब मिल पैकिंग कर रहे थे तो मेरी फ्रेंड ने ये शूट किया है आप लोगों को बताने के लिए तो आप लोग देखना और ये वाले पार्ट मतलब यही सब चीज़ों से स्टार्ट से मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मतलब स्कूल बैग्स पैक करते करते अब हम इतने बड़े हो गए कि अब हम अपनी बैग पैक कर रहे हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़ने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ये फ्रेंड्स मतलब अभी से क्या मैं आपको बताऊँ क्या फीलिंग्स है बहुत ही मिक्सड फीलिंग्स है मेरे लिए तो खैर कोई नहीं अब और ये मैं बैंगल बॉक्स वगैरह सब सेट रही थी फिर उसके बाद हम दुल्हन को दूल्हे को लेके जाएंगे फिर से दुल्हन के और यहाँ पे हमने रास्ता घेरा है कि पहले हमें पैसे दो फिर घर में तो सारी मगारी मगाने दो ओसा जरा मेरे अम्मा को बुलवा दो ओ सा मेरे अबा को बुलवा दो और यहाँ पे हम लोग बोली लगा रहे हैं पैसों की और हमारे जीजू ने बार्गेन कर कर के पैसों को बहुत कम कर दिया कम मतलब हमने बहुत ज़्यादा बोला था उन्होंने तो बराबर दिया बट फाइनली हमने उनसे ले ही लिए कुछ ना कुछ ये हमारे दोनों जीजूज़ हैं जो कि आपस में खिचड़ी पका रहे थे और ये हमने फ़ाइनली जीजू से पैसे ले लिए और इस बात की खुशी अलग होती है सच में मैं क्या बताऊँ आपको तो फिर फाइनली हमने उन्हें एंट्री दे दी उसके बाद हम फर्नीचर के वहाँ पे गए थे मेरा फर्नीचर कहाँ तक बना है देखने के लिए और यहीं तक था आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज्यादा जल्दी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मुझे दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़ वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें